हम गिफ्ट दिखाने वाले हैं और ये क्या हो रहा है? मुझे खुशी बहुत है, मैं क्या करूँगा। एक्चुअली यहाँ वाइब तो अच्छी है बट मैं वाइब के साथ बैठना प्रेफर करूंगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो एज प्रॉमिस, हम आ गए हैं वापस। आज है इनका बर्थडे और जैसे कि हमने आपको बताया था, हम गिफ्ट्स दिखाने वाले हैं। और आपको हमने लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि जो गिफ्ट्स हैं वो आपके सामने खोलेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग मैंने तो नहीं की बट चीटिंग जो है ऑनर ने थोड़ी सी कर दी है। गाइस, थोड़ी सी चीटिंग जरूरी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मैंने इनको दिया है वो ये डालें बर्थडे पे। ये टी शर्ट मुझे कृति ने गिफ्ट किया है और इन्होंने बोला था कि आपको आज पहननी है तो आपको अभी गिफ्ट खोलना पड़ेगा। तो मैंने गिफ्ट नहीं खोला बट इसने मुझे गिफ्ट में निकाल के ये आइटम दे दी है। एक टी शर्ट और एक शू थे जो प्यूमा के ब्लू कलर के, आप उनको दिखा दो कौन से हैं। वो जो शूज है वो इसके साथ अच्छे नहीं लग रहे थे, सो आई थॉट कि आई थिंक मैंने सोचा कि चलो मैं इसको व्हाइट शूज से पेयर अप करता हूं। आई विल वेयर इट समडे विद ब्लू और समथिंग लाइक जो इसके साथ कंट्रास्ट जाए। और ये है वो शूज, ये है वो शूज ब्लैक सॉरी ब्लू प्यूमा। और इसके अलावा ये टी शर्ट है और हम खोलते यस वेरी मच सो एंड इसमें से देखें क्या है। और अब देखते हैं कि बैग में क्या है। ओके गैस का है कुछ, गैस करो गैस का है कुछ, गैस करना पड़ेगा कि क्या है। वॉलेट लग रहा है मुझे, तो पता है वॉलेट ही होता है। वॉलेट ही है, यस ये है वॉलेट गैस का, काफी अच्छा है ब्लैक लेदर। इसको हटा दो, काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है। ये है गाइस वो वॉलेट, ये दिया मुझे एक गिफ्ट, काफी अच्छा है, थैंक यू बेबी। और क्या है एक और आइटम है, ये है, ये भी गैस का है, गैस सिलेक्टिव होम ब्लू। ये आई गेस परफ्यूम है, काफी अच्छा परफ्यूम है। ये है गेस का परफ्यूम, काफी अच्छा है गाइस। ये है भी स्पेशली फॉर मेन, तो ये मैं सोचना कि मैंने अपने लिए ले लिया, मुझे पता है। तो थैंक यू बेबी, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग मी दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंट। और आज हम जा रहे हैं कहीं पे सेलिब्रेट करने, तो आप बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए कि हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। गाइस पार्किंग लगा दिया और आ चुके हैं हम डाउनटाउन में। यहाँ पे हम कहीं रेस्टोरेंट पे बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। यस आई एक्चुअली हैव अ रेस्टोरेंट इन माइंड जहाँ पे हम जाने वाले हैं, पर चलो चलते हैं देखते हैं क्या हाल। काफी दूर है यहाँ से, हमें पार्किंग काफी दूर मिली है। डाउनटाउन में यार पार्किंग का सीन होता ही है, पर जैसे थोड़ा सा इशू होता है कि मीटर्स लगे होते हैं तो तुम्हें पे करनी पड़ती है पार्किंग। बट क्योंकि हम लेट हैं तो पार्किंग फ्री है, लेकिन दूर काफी दूर मिली, हम बहुत दूर से लगा के वॉक करके आ रहे हैं। जाना है हमें उस और जाना है हमें यहाँ पे भी काफी दूर जाना है। गाइस डाउनटाउन में हमेशा ऐसे होता ही है कि शाम की पार्किंग थोड़ी मुश्किल ही मिलती है, एक्चुअली डे में भी मुश्किल ही मिलती है, पर इट इज व्हाट इट इज। प्रेस किया बटन, यप। ओके तो अभी वहाँ पे देख लो स्टॉप साइन आया हुआ है हमारे लिए, वो जो आपको ऐसे हाथ दिख रहा होगा, यप सब रुके हुए हैं। तो जब वो वहाँ पे वॉक का साइन आएगा तो हमें तब हम वॉक कर सकते हैं। लेट्स गो। देखो वॉक का साइन आ गया और हम जा रहे हैं। ये स्कूटर यहाँ पे भी होता है क्या? हाँ यहाँ भी होते हैं स्कूटर, एलए में भी थे ना? या वहाँ तो हमने बहुत एंजॉय किया था। हाँ तो यहाँ नहीं कर रहे क्या? करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ नहीं कर रहे, आई मीन जस्ट लुक एट द वाइब, क्या मजा आने वाला है। यस आई होप इट्स नॉट लाइक पैक, यू नो, क्योंकि शाम का टाइम होगा, पैक जैसे पार्किंग लग रही है उस हिसाब से लग ही रहा है। पर इट्स थर्सडे तो कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रिवर साइड, यहाँ पे रिवर के सराउंडिंग इनको दिखा दो, सब रेस्टोरेंट्स हैं और हम इनमें से किसी एक को एक्सप्लोर करेंगे आज।
यहाँ पे हम पहले भी आए थे, एक हमने रेस्टोरेंट पहले ही हम विजिट कर चुके हैं, काफी अच्छा था। मेरा मन है सामने जाने का। हमने ट्राई किया था उस वो वाला, आज हम सोच रहे हैं कि उसके साथ वाला ट्राई करते हैं, लेकिन वो बहुत पैक लग रहा है। डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है इतनी दूर से या नहीं, बट वी विल सी हाउ इट गोस। पता भी क्या है उधर दिखाओ पीछे, अभी वो जो है ना डॉगी लेके आए थे, उन्होंने उनको लगा कि मैं इनकी वीडियो खराब ना करूं, तो वेट कर लेता हूं इनको वीडियो बनाने का, तो और वापस ही मुड़ गए। पीपल आर एक्चुअली स्वीट हियर। तो गाइस हम यहां पे आ चुके हैं जो पैक्ड है, पूछते हैं अगर कोई टेबल हमारे लिए है, स्पेस है यहाँ पे, तो हम यहीं पे बैठेंगे, क्योंकि देख के वाइब इतनी अच्छी लग रही है यार, तो आई जस्ट फील लाइक कि यहीं ट्राई करना चाहिए। यस, तो चलो पता करते हैं। तो गाइज लकीली हमें एक ही टेबल खाली थी, वो टेबल मिल चुकी है, और हमारे साथ एक और कपल था, वो वेट कर रहा था हमारे पीछे टेबल के लिए, बट उनको शायद नहीं मिली होगी या फिर एक खाली हुई है, अभी वो मिल जाएगी है ना। और हमारे लिए तो एक ही टेबल खाली थी और मिल चुकी है, और आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यू। पहले ये व्यू देख लो, ये व्यू काफी, इतनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली एक टेबल मिल गया है। क्या व्यू है यार, दिखाओ दिखाओ, देखो फील द वाइब। और आपको दिखाते हैं फुल पैक्ड है ये, फुल पैक। वो जो एक टेबल आपको दिख रहा है वो भी, ये भी अभी खाली हुई है, खाली हुआ है। Yes. बट हमें मिल गया, उसी चीज की खुशी है। Yes. अभी कॉपीराइट तो नहीं आएगा, म्यूजिक चल रहा है, पता नहीं आएगा तो देखेंगे, कुछ कर लेंगे उसका सोल्यूशन। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गाइस, बर्थडे इनका है, पर एक्साइटमेंट मुझे ज्यादा लग रही है। हडूबे 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 तुझे में, ये क्या हो रहा है, मुझे खुशी बहुत है, मैं क्या करूं। वेदर भी काफी अच्छा है ना आज। गाइस यार इतना मजा आ रहा है ना यार, कि वाइब ही इतनी अलग सी वाइब है, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। और खुशी इस बात की है कि एक टेबल फाइनली मिल गया, अगर ना मिलता यार तो सारा वो बर्थडे का प्लान रुइन हो जाता। ओह बाय द वे, आपको पता है कि इसके साथ वाला रेस्टोरेंट जो हमने पिछली बार मेरे बर्थडे पे एक्सप्लोर किया था, वो रेनोवेशन के कारण बंद हो रखा है इस टाइम पे, बट वहाँ पे भी हमें बहुत मजा आया था, व्लॉग नहीं बनाया था उस टाइम पे हमने, पर फाइनली यहाँ पे आए हैं तो हम व्लॉग भी बना सकते हैं और आपको भी दिखा सकते हैं कि क्या फील आता है। आप देख सकते हो ये लड़का उठ के इधर आ गया है। क्यों भाई, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ वाइब तो अच्छी है, बट मैं वाइफ के साथ बैठना प्रेफर करूंगा। आहा, क्या बात बोली है, बाय द वे प्यार बहुत करते हैं, फूड फूड का बारे ऐसा लग रहा था कि वो सामने वाली सीट पे ना बहुत ज्यादा ही दूर थे यार। हाँ ये टेबल काफी वाइड है, मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं यहीं आ जाऊं। लेडी है, चिल करना है तो हमें साथ ही बैठना पड़ेगा। और मुझे लग रही है भूख, फूड ऑर्डर कर दिया है, पता नहीं कब आएगा। ड्रिंक्स आ गई हैं, बाय द वे ड्रिंक्स आ गई हैं, थोड़ा ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। यस, और आपको पता है जैसे कि मेरा बर्थडे है, क्या पता क्या, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे यार, मुझे पता है, मुझे लगता है मुझे इस पे गाना लिखना पड़ेगा, लाइक कमेंट शेयर। आप भी कहोगे हर वीडियो में आते हैं पहले सब्सक्राइब 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 करते रहते हैं, करना पड़ेगा यार, छोटे यूट्यूबर हैं, अगर करेंगे नहीं तो आप लोग मानते नहीं हो, बोलेंगे तभी तो मानोगे यार। तो गाइस हमारा फूड आ चुका है, और हमने कुछ ज्यादा ऑर्डर नहीं किया, हमने सिर्फ फ्राइज और चिकन विंग्स करी है, चिकन विंग्स नहीं है एक्चुअली, चिकन स्ट्रिप्स हैं। गाइस रीजन खाना हमने इसलिए ज्यादा ऑर्डर नहीं किया क्योंकि हम इसके बाद फैमिली के साथ जाने वाले हैं डिनर के लिए, मुझे ये नहीं पता वो लोग ब्लॉग में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग अभी थोड़ा सा शाय है, पर विल सी, अगर मांगे तो ले आएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही सही नेक्स्ट टाइम ले आएंगे, मना जरूर लेंगे हम, लेकिन तो चलो फूड एंजॉय करते हैं। और मेरे ब्रदर के साथ ऑब्वियसली कुछ डिनर एंजॉय करने के लिए, एक्चुअली है मेरे पापा का बर्थडे, तो हम उनके साथ भी सेलिब्रेट करेंगे, उनका बर्थडे भी और इनका बर्थडे भी, तो आई एम नॉट श्योर कि वो लोग ब्लॉग में आएंगे या नहीं, जैसे कि आपने बताया ये। मैं श्योर हूँ वो नहीं आएंगे अभी। वो अभी कैमरा शाय है तो अभी आने से रहे वो, आई विल स्टिल शाय, अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर गाइस इस ब्लॉग, उससे पहले आपको कुछ बोलना चाहूंगा, थैंक यू आपने मेरे को इतना अच्छा सरप्राइज दिया, मेरे लिए इतना कुछ किया, कल काफी अच्छा सरप्राइज दिया आपने मुझे रात को, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्या होने वाला है। मैं खुश हूँ आपने रिएक्शन देखी, मैं बहुत खुश हूँ। निकल चुके हैं हम लोकेशन पे जहाँ मॉम डैड से मिलने वाले हैं, एक्चुअली उनका कॉल आ चुका है और हम जा रहे हैं उनसे मिलने, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज हम घर आ चुके हैं, और हम कहाँ आए हैं,
मेरे मॉम डैड के घर पे, इनके ससुराल। एक्चुअली क्या बात थी, हमने अभी डैड का भी आज बर्थडे शुरू हो चुका है ना, तो हम वहाँ पे केक कट करके आए हैं, सेलिब्रेट करके आए हैं, और घर पे उन्होंने बोला कि आपको आज हमारे घर पे रुकना पड़ेगा, तो हम यहाँ आ चुके हैं और यहीं रुकेंगे आज, और कल हम खाएंगे टेस्टी टेस्टी यम्मी इंडियन फूड। यस, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। एम यू अपोलोजाइज, वो लोग अभी थोड़ा सा शाय हैं इसलिए वो नहीं आए ब्लॉग में, पर होपफुली जल्दी लेके आएंगे हम उनको नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर कभी थोड़ा आगे चल के। बट टिल देन होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।